green plant. Green plant. All green plants are example of autotrophic nutrition. And in green plants, a process takes place, photosynthesis, which is very important process for all organism. Photo. Photo means होता है प्रकाश. और synthesis means होता है synthesize, उसको संश्लेषित करना. और फोटो का जब सिंथेसाइज किया जाता है तो फोटो में एनर्जी होता है, मतलब लाइट हैज एनर्जी और विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है आफ्टर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फॉर दिस नीड्स फोर सब्सटेंस, water, water, yes, what is it? Spelling. The process of photosynthesis takes place in leaves. For this, water, chlorophyll, CO2, carbon dioxide, and sunlight requires. Water is absorbed by root and transported to the leaves. Through a tissue xylem which is spread a whole part of the body, part of the plant. And chlorophyll is a green pigment due to leaves are green, jiske karan pattiyan hari dikhai deti hain. And CO2, as we know, CO2 atmospheres vayumandal se liya jata hai, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में CO2 जो उपलब्ध है उसको जो है कि प्लांट्स में बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस छिद्र से वह जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वह पत्तियों में प्रवेश कर जाता है. एंड सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल. और इस तरह से जब चारों चीजें जब मिल जाते हैं तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड दे प्रिपेयर स्टार्च. एंड इसका जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का, उस प्रोसेस का प्रोडक्ट स्टार्च एंड ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एंड स्टार्च प्लांट यूज्ड फॉर ऑन फूड. तो इस तरह से हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझा. अब हमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझना है. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड, दिस इज द मोड इन विच प्लांट्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सम प्लांट्स इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड. लाइक इसमें सेप्रोफाइट